हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक लाइन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आशीष क्रिकेटर और आज मैं आपको बताने वाला दोस्तों कि टेक्नो ने अपने टेक्नो पोवा 3 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है और ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडिया में 20 जून को लॉन्च होने वाला है और इसे दोस्तों आप बाय कर सकते हैं अमेजोन के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और अदर फीचर्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.9 इंच का फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाएगी। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन में दिया गया है और इस स्मार्टफोन की स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे 2.5D का कवर टेम्पर ग्लास दिया गया है। सेल्फी के लिए दोस्तों यहाँ पे पंच होल कटआउट दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले काफी बढ़िया हमें देखने को जाती है। बजट के हिसाब से इस स्मार्टफोन दोस्तों डिस्प्ले काफी डिसेंट क्वालिटी के देखने को जाएगा। कलर एंड ब्राइटनेस काफी बढ़िया रहेगा। पिक्चर क्वालिटी काफी दमदार हमें देखने को मिलने वाली है और इस स्मार्टफोन की स्क्रीन काफी ज्यादा स्मूथ हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मीडिया टेक हेलोजी 88 का प्रोसेसर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहेगा और ये स्मार्टफोन दोस्तों 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन दोस्तों 6GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा, जिसे कि दोस्तों वर्चुअल रैम की सपोर्ट से 11GB तक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यूजर्स को काफी पसंद आने वाले हैं ये स्मार्टफोन। अगर इस फोन की कैमरा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को जाता है, जिसमें कि दोस्तों 50 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेप्थ सेंसर और माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगी। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली कैमरा दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहेगा। अगर इस फोन की बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों लंबी बैटरी बैकअप आपको देखने को जाएगी। अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो आप 2 से 3 दिन तक आराम से बैटरी बैकअप इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो दोस्तों, तो आपको इस स्मार्टफोन में 8 से 10 घंटे तक बैटरी बैकअप मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर में बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन एक बजट स्मार्टफोन है। इसकी प्राइस 12,999 रुपये है। तो दोस्तों, आपको ये स्मार्टफोन कैसी लगी इसके बारे में दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। Tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head.